कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अक्सर विभिन्न घटनाओं में आप इस कहावत को चरितार्थ होता देख सकते हैं। बक्सर में एक विक्षिप्त महिला फिलहाल नगर के गोलंबर के समीप स्थित विश्वामित्र अस्पताल में भर्ती है। वह महिला विक्षिप्त है और दिव्यांग भी। उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। अब उस महिला की मदद के लिए बक्सर के कई समाज सेवी, बक्सर के प्रशासनिक अधिकारी तथा स्वयं उस अस्पताल के निदेशक भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि महिला और उसके शिशु की सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि महिला को जब अस्पताल से छुट्टी मिलेगी तो उसके रहने की व्यवस्था अल्पावास गृह में की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वह महिला जो कि विक्षिप्त है और महिला दिव्यांग भी है, वह इस अवस्था में कैसे पहुंची। दरअसल कहानी 2 माह पूर्व शुरू हुई थी, जब बक्सर रेलवे स्टेशन पर गरुड़ सेवा संस्थान नामक एक स्वयंसेवी संस्था चलाकर जरूरतमंदों के बीच रोटी बांटने का काम करने वाले राज और उनके टीम के सदस्यों ने एक विक्षिप्त महिला को देखा। वह महिला गर्भवती थी तथा ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। उन्होंने महिला की इस पीड़ा को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तकरीबन 2 माह तक महिला का इलाज किया गया। पिछले 2 दिन पूर्व महिला को गर्भावस्था में अब प्रसव पीड़ा होने लगी और उसे कहीं अन्यत्र ले जाने की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे PMCH ले जाने की सलाह दी। अब युवाओं के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे PMCH लेकर जा सके और वहां उसकी देखरेख कर सके। चूंकि सभी युवा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ऐसे में इतना करना उनकी पढ़ाई लिखाई में भी बाधक बनता। ऐसे में उन्होंने बक्सर के गोलंबर स्थित विश्वामित्र अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव झा से बात की। डॉक्टर राजीव झा ने कहा कि महिला को तुरंत ही अस्पताल में ले आया जाए। सभी युवा महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों के अथक प्रयास से महिला का प्रसव कराया गया और उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। बाद में कुछ समाज सेवी भी सामने आए, जिनमें खरवनिया के रहने वाले मिथिलेश पाठक, बक्सर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल त्रिवेदी शामिल हैं। मिथिलेश पाठक ने अस्पताल में पहुंचकर महिला का हालचाल जाना तथा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव झा को 10,000 रुपये मदद की और कहा कि वह महिला का इलाज होने में जितना भी खर्च होगा उसको वहन करेंगे। हालांकि चिकित्सक डॉक्टर राजीव झा ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो महिला का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई पैसे देता है तो वह महिला के भविष्य के लिए उसे कहीं ना कहीं जमा करा देंगे। देखिए, एक स्वयंसेवी संस्थान के वो राजकुमार जी हैं, वो NGO के हैं, तो वो आ रहे हैं और वही लोग लेके भी आए पेशेंट को। वो लोग बताए कि 2 महीने से वो लोग देखरेख कर रहे हैं, उस माता का देव 2 महीने से देखरेख कर रहे थे। चूँकि वो लावारिश है तो हम लोग से जितना बन पा रहा है, हम लोग के यहाँ जो लेडीज़ नर्सेज हैं, हमने एक नर्सेज हर शिफ्ट में लगा के रखा है उनके लिए, क्योंकि वो अपने शरीर से असहाय हैं और ऐसे में हम लोग को बहुत ही दिक्कत होता है जब परिजन नहीं रहती है तो, और उसको हम लोग अपना पारिवारिक सदस्य समझ के और अपने ही तरीके से परिवार के जैसे ही उसका केयर कर रहे हैं। और वो मानसिक रूप से भी थोड़ी सी कमज़ोर है तो इसमें और थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चे को भी बचाना है और जच्चा को भी स्वस्थ रखना है कि टाका उका में कोई प्रॉब्लम ना हुए, तो ये क्रिटिकल केस जो है, एक चैलेंजिंग केस है हम लोगों के लिए और इसको हम लोग स्वीकार करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे प्रभु की इच्छा है। कुछ लोग आर्थिक सहयोग करने की बात कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से पहल की गई है? जी, इस पेशेंट के लिए जब आर्थिक बातें हुई तो हमने सीधा बताया कि जब ये लावारिश है, दिव्यांग है और इसके साथ कोई नहीं है तो हमें पैसे से कोई वास्ता नहीं है। और रात भी मिथिलेश पाठक जी ने कुछ, मतलब एक यहाँ के हैं स्वयंसेवक, उन्होंने कुछ राशि दिया है तो हम लोग ने यही विचार, अस्पताल ने यही विचार किया है और अस्पताल के सारे कर्मचारी और टीम ने ये विचार किया है कि जो भी राशि आएगी वो हम लोग बच्चे के भविष्य के लिए जो उपयुक्त NGO होंगे या DM सर, SDM सर या जो भी होंगे उपयुक्त, वैसे उनको हम लोग वो राशि हम लोग उनको दे देंगे। खिलाना था, हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं NGO से कि हम लोग को ऐसे कुछ करना है। पार्ट टाइम से भी पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं,
तो जब महिला को हमने भर्ती कराया उनसे इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया, छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, कोई नहीं था उनका। तो जब मैच्योरिटी का डेज आया कि यह बच्चा होने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर वहाँ से बयान आया कि रेफ़र कर रहे हैं। हमें पूछे भाई क्यों रेफ़र कर रहे हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि इनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, दोनों पैर ऐसे घुमे हुए हैं, अंदर से कई सारी पैरालिसिस टाइप की चीज़ें हैं, तो इनका स्पाइनल में कोई एनेस्थीसिया लगता है वो नहीं हो पाएगा, हमारा एक्सपर्ट नहीं है, तो जल्दी से ले जाइए, मैच्योरिटी पूरा हो रहा है, बच्चा और जच्चा दोनों की जान को खतरा है। तो हम लोग बिल्कुल, चूँकि टेक्निकल टर्म से अनजान थे, हम लोग मेडिकल टर्म है नहीं, सर डर गए बिल्कुल। तो वहाँ से अब पता किए कहाँ जाना है, PMCH में जाने की औकात थी नहीं कि इतना जल्दी पहुँचे हम लोग एम्बुलेंस करके, वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था, तो पता किए प्राइवेट में होगा कि नहीं होगा। तो विश्वामित्र में आए, उसी क्रम में घूमते हुए, तो जहाँ सर से बात हुई, बोले सपोर्ट किए कि नहीं, जो भी होगा मिनिमम जितना कम होगा आप लोग जो कर देंगे पैसा हम कर देंगे, कोई मेरे ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, जो दवा का पैसा होगा और जो भी लगता है दवा और जो मूलभूत चीज़ें हैं उनका पैसा आप ले लीजिएगा, बाकी फी वगैरह मत दीजिएगा, जो भी 10-12 से खर्चा आएगा हम कर देंगे। तो आश्वासन मिला सर, हम लोग लेके उनको वहाँ से आए। वहाँ से लेके आने के बाद अब तक उनका इलाज चल रहा, ऑपरेशन हुआ, आप जैसा कि देख रहे हैं बच्चा हुआ, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, मेहनत का फल दिया। अभी तक दो लोग भरपूर खोल के मदद किए हैं, जिनका हम हमेशा आभारी रहेंगे, हमारी NGO रहेगी, मिथिलेश पाठक जी और अनिल त्रिवेदी जी, श्री अनिल त्रिवेदी जी। हम खास तौर से उन बच्चों का धन्यवाद देता हूँ जो बच्चे कोई एक प्राइवेट अपना छोटा सा NGO चलाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पास 100-200 रुपया भी अवेलेबल नहीं था, और वो सब बच्चे रोड पर से उनको उठाकर 2 महीना पहले सदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। वहाँ से वो लोग जब बच्चे का जन्म लेने की बात आई तो उस समय ये लोग रिक्स नहीं लिए और बच्चे को क्या किए, PMCH में रेफ़र कर दिए। बच्चे जो थे, यूथ जो थे, जो यहाँ के कार्य देख रहे थे उनको, वो लोग किसी भी तरह हिम्मत नहीं हारे और यहाँ पे विश्वामित्र हॉस्पिटल कोई है गोलम्बर पे, वहाँ पर वहाँ ले गए लोग, लेकिन उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, आग्रह किए लोग और किसी तरह हमसे संपर्क साधे। हमने उन लोगों को बहुत धन्यवाद दिया और रात को हम 1 बजे वहाँ पहुँचे, बच्चे का ऑपरेशन भी हुआ, बच्चे सफल से बच्चा हो भी गया और ख़ास तौर से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, हम वहाँ के सभी खर्चे उठाए हैं, लेकिन हम सुबह में यहाँ के SDM सर धीरेंद्र कुमार मिश्रा जी से और यहाँ के जिला अधिकारी अमन समीर जी से भी बात किया, उन दोनों लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर सरकारी जो भी सुविधा होती है वो हम आपको करवाएंगे और इन लोगों का हम आगे चल के जो भी हमारे तरफ से होगा पूरी प्रयास रहेगी। बहरहाल चिकित्सकों के प्रयास से जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इस घटना ने एक सवाल जरूर पैदा किया है कि क्या सभ्य समाज में इस तरह की घटना स्वीकार्य है, और जिस भी कुकर्मी के द्वारा इस तरह का कुकर्म किया गया है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। हम अपने दर्शकों से यह आग्रह करेंगे कि वह अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं और बताएं कि जहां नारी सशक्तिकरण की बात होती है उस समाज में ये घटनाएं कितनी स्वीकार्य हैं। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम बक्सर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी खबर पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।